नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज 2019 के अंतरिम बजट को पेश किया और उन्होंने अपने पिटारे से समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ सौगातें दी हैं, चाहे वह असंगठित क्षेत्र हो या फिर मजदूर या फिर कारोबारी, महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बुजुर्ग, हर किसी के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की है। मैडम स्पीकर, मैं वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार के अनुमानित वृत्तियां और व्यय का वितरण प्रस्तुत करने के लिए आपसे अनुमति ले। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में रखा साल 2019-20 का अंतरिम बजट। इस बजट में देश के विकास पर खर्च किए जाएंगे 27,84,200 करोड़, बीते साल के मुकाबले 13% से ज्यादा की बढ़ोतरी। बजट में आयकर में छूट का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। 5 लाख तक की आमदनी को कर मुक्त करने की मोदी सरकार ने की घोषणा। 3 करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपए का होगा फायदा। धारा 80C की छूट को मिलाकर 6.5 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री। होम लोन पर 2 लाख तक के ब्याज की छूट, NPS और बीमा आदि पर मिलने वाली रियायत रहेगी जारी। किसानों के लिए सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला, छोटे और सीमांत किसानों के लिए निश्चित आय का ऐतिहासिक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन पर हर साल किसानों को मिलेगा 6,000 रूपए। पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से ही होगी लागू। मार्च 2019 तक पहली किश्त का होगा भुगतान। साल में मिलेगी 2,000 रूपए की 3 किश्तें। 2019-20 के लिए 75,000 करोड़ का खर्चा, इस साल के लिए भी 20,000 करोड़ का प्रावधान। खेतीबाड़ी, पशुपालन और मछली पालन में लगे सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर 2% ब्याज की सब्सिडी। समय पर कर्जा चुकाने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त सब्सिडी का बजट में हुआ ऐलान। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को ब्याज में 5% ब्याज की छूट। गांव में सड़क बनाने की योजना को बड़ी सफलता। 17,84,000 बस्तियों में से 15,80,000 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया। बजट 2019-20 में 19,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। बीते 4 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 1,53,00,000 घर बनाए गए। देश के असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को पीएम मोदी के सौगात। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम। 15,000 रूपए से कम आमदनी वालों को 60 साल के बाद हर महीने 3,000 रूपए के जीवन भर पेंशन का प्रावधान। योजना के लिए शुरुआत में 500 करोड़ रूपए की व्यवस्था। 10 करोड़ मजदूरों को होगा फायदा। बजट ने न्यू इंडिया के लक्ष्यों के प्रति दिखाई प्रतिबद्धता। 2022 तक हर किसी के पास होगा अपना घर, घर में होगा शौचालय, पानी और बिजली की व्यवस्था, किसानों की आमदनी होगी दोगुनी, भारत को जातिवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त कराने का भरोसा। एनडीए सरकार ने अपने अंतरिम बजट में अगले दशक के लिए पेश किया विजन। 8 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था के 5,00,000 करोड़ से दोगुना कर 10,00,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य। बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेतीबाड़ी और स्वस्थ भारत के विजन पर काम करेगी सरकार। देश का रक्षा बजट पहली बार 3,00,000 करोड़ रुपए के पार। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की व्यवस्था की। जरूरत पड़ी तो रक्षा बजट में और बढ़ोतरी का ऐलान। बजट में गांव में रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा पर बढ़ेगा खर्चा। साल 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन। जरूरत पड़ने पर और दिए जाएंगे पैसे। खाद्य सब्सिडी पर 2018-19 में 1.7 लाख करोड़ रुपए का खर्चा। किसानों की आमदनी पर ज्यादा खर्च से इस साल के वित्तीय घाटे के लक्ष्य में 0.1% की ढील। इस साल का वित्तीय घाटा GDP का 3.4%। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 18-19 में 20,000 करोड़ और 19-20 में 75,000 करोड़ की व्यवस्था। कालेधन के खिलाफ अभियान जारी रखेगी सरकार। नोटबंदी और कालेधन पर बने दूसरे कानून के साथ 1.3 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियों पर लगेगा टैक्स। 50,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क। देश के टैक्स कलेक्शन में हुई 18% की बढ़ोतरी। 2017-18 में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पहली बार भरा आयकर रिटर्न। बजट ने बैंकों में NPA की मौजूदा स्थिति का पेश किया आंकड़ा। IBC के आने के बाद बैंकों ने 3,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज की वसूली की। साल 2014 तक बैंकों के 52,00,000 करोड़ में से 5.4 लाख करोड़ का था NPA। सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए सरकार ने डाले 2.6 लाख करोड़। बुनियादी ढांचे में निवेश पर सरकार का रहेगा फोकस। तेज सड़क निर्माण के चलते भारत दुनिया में सबसे तेज राजमार्ग विकसित करने वाला देश बना। मेक इन इंडिया के तहत देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर। रेल, सड़क और जलमार्ग के विकास पर होंगे ज्यादा खर्च। भारतीय रेलवे के इतिहास में ये साल रहा सबसे सुरक्षित। 2019-20 में 1.58 लाख करोड़ रुपए के रेल बजट में केंद्र सरकार देगी करीब 64,500 करोड़।
देश में पहली बार सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम एक्सप्रेस से यात्रियों को मिलेगी गति, सेवा और सुरक्षा का विश्व स्तरीय अनुभव। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के कार्यक्रम में बीते साल के मुकाबले 35% से ज्यादा की बढ़ोतरी। अनुसूचित जातियों के लिए 76,800 करोड़ रुपए, जनजातियों के लिए आवंटन राशि 28% बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा करने का प्रस्ताव। गरीब सवर्णों को देश में पहली बार आरक्षण देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में करीब 2,00,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। किसी भी दूसरे वर्ग के आरक्षण में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। नौकरियों में 10% आरक्षण के लिए बजट में वित्त मंत्री ने दिया भरोसा। बजट में जीएसटी के तहत कारोबारियों को मिलने वाली रियायतों का हुआ जिक्र। छोटे कारोबारियों, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में लगे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी की छूट 20,00,000 से बढ़ाकर 40,00,000 रुपए की गई। 1.5 करोड़ तक के छोटे कारोबारियों को 1% कंपोजिशन स्कीम का मिलेगा फायदा। 90% से ज्यादा कारोबारियों को 3 महीने में केवल 1 रिटर्न भरना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को 38,572 करोड़ जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मिले 32,251 करोड़। मिड डे मील, ICDS और महिलाओं के कल्याण पर होने वाले खर्च में भी बजट में दिखी बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पेश होने के बाद कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास करने में यकीन रखती है और इसी दिशा में काम होते रहेंगे। ये बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मिडिल क्लास के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार टैक्स पेयर का गौरवगान करेगा, ट्रेडर्स को सशक्त करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति देगा, अर्थव्यवस्था को नया बल देगा, देश का विश्वास मजबूत करेगा। ये बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देगा। ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी है, सर्वोत्कर्ष को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गरीबी तेजी से कम हो रही है, बढ़ते मिडिल क्लास की आशा आकांक्षाओं को बल मिले इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दिखाया है। इस बजट में 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को, 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर परिवारों को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। साथियों, सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी रिकॉर्ड गति से कम हो रही है। लाखों करोड़ों लोग गरीबी को परास्त करके नियो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं असंगठित क्षेत्र के लिए इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन उपायों से श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। हमारे देश में अनऑर्गेनाइज लेबर की संख्या करीब करीब 40-42 करोड़ है। उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उनके जीवन के उत्तरार्ध, 60 वर्ष की आयु के बाद की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी। उन्हें आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अनेक योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही, बुढ़ापे में रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए पेंशन भी मिला करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि घुमंतू समाज के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का फैसला किया गया है। सही पहचान होने के बाद सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल सकेगा। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के इस प्रयास में सरकार ने घुमंतू समुदायों जैसे मदारी हैं, सपेरा हैं, बंजारा हैं, गाड़िया लुहार हैं आदि के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का भी फैसला किया है। मुझे उम्मीद है
की सही पहचान होने के बाद सरकार के विकास कार्यों का लाभ इन समुदायों को और तेजी से मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पेश हुए केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक और किसानों और मजदूरों के लिए लोक लुभावन वादों वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर वर्ग के लिए लुभावने वादे किए हैं, लेकिन इनसे देश की जनता भ्रमित नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट को विकास और जनोन्मुखी बताया है। उन्होंने दावा किया कि इस बजट से नए भारत का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अंतरिम बजट में किसानों, युवाओं, मध्यम वर्ग, गरीब और महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने इसे किसी से भेदभाव न करने की भाजपा सरकार के द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने वाला बजट बताया है। न्यू इंडिया के सपने को साकार करता मोदी सरकार का अंतरिम बजट अब तक का स्वतंत्र भारत का सबसे शानदार, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते हुए भारत, एक सशक्त और समर्थ भारत के सपने को साकार करता हुआ बजट है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके केंद्रीय मंत्री राजवर्धन राठौड़ ने इस बजट की तारीफ की है और कहा है कि किसानों, कामगारों और मध्यम वर्ग समेत सभी वर्गों को इस बजट में मजबूती मिलेगी। मैं एक हर सेगमेंट को ये मजबूती लेकर आया है बजट, किसान होए, युवा वर्ग होए या एमएसएमई सेक्टर हुआ, इन सबको जो 90% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो भी एक तरह से और इंक्रीज होगा, इनहांस होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है पूरे देश के अंदर, जब ये सारा का सारा एक साथ होता है, हर वर्ग को जब समर्थन मिलता है तो अपने आप हमारी ग्रोथ रेट ऊंची हो जाती है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को जमीनी हकीकत और वास्तविकता से दूर और जुमलेबाजी वाला बजट बताया है। उन्होंने लखनऊ में जारी बयान में कहा कि पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में देश में आर्थिक असमानता की खाई बढ़ गई है और इस बजट से महंगाई, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं का हल नहीं निकाला गया है। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने जहां इस बजट को मध्यम वर्गीय लोगों, नौकरी पेशा लोगों, किसानों और असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाओं वाला बजट बताया, वहीं विपक्षी दलों ने इस बजट को आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए लोक लुभावन वादों वाला बजट बताया है। वास्तव में अंत्योदय हो, गरीब आदमी तक विकास पहुंचे, गरीबों को इसका लाभ मिले, सरकार गरीब कल्याण के लिए होनी चाहिए, गरीब तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, सीधे बीच में कोई भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, अपराध मुक्त सरकार हो, तो उसी दिशा में काम करते हुए आज पुनः एक बार किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए आज ये बजट बहुत लाभकारी है, बहुत अच्छा है और इससे पूरे देश के अंदर सभी ऐसे लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान हुई है, उनको प्रसन्नता की पूरी लहर है। सबको ये लग रहा है कि ये सरकार जैसा बोलती है कि साफ नीयत, सही विकास, सबका साथ सबका विकास। इससे पहले केंद्र सरकार ने 4 बजट और पेश किए हैं। जो बजट पेश किया था उसका धरातल पर कंप्लायंस कितना हुआ है ये सरकार को देखना चाहिए। ये बजट चुनावी बजट है और चुनावी लाभ लेने के लिए बनाया हुआ बजट है। इससे देश की जनता को निराशा ही हाथ लगेगी। समाचार अभी जारी रहेंगे लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। गंगा को स्वच्छ बनाना है। गंगे नमामि गंगे, रमता जोगी बहता पानी, दोनों की यही कहानी, अविरल धारा होगी जब निर्मल गंगा होगी तब, सतबंधु की जान है गंगे नमामि गंगे, उत्तर
हर प्रदेश की शान है गंगा, सेवा भाव निभाना है, आना है गंगा से प्यार जताना है, जताना है तो आगे बढ़िए हमसे जुड़िए। अधिक जानकारी हेतु स्थानीय निकाय से संपर्क करें। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। पर किसानों के लिए घोषणाओं को सुनकर किसान खुशी से झूमने लगे और उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पटाखे फोड़े। किसानों ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार 2 हेक्टेयर तक के किसानों के खाते में सीधे 6,000 रूपये भेजने के मोदी सरकार के फैसले का वे स्वागत करते हैं। छोटे किसानों को मिलेगा 2 हेक्टेयर वालों को, ये भी बहुत सराहनीय काम सरकार ने किया है और हम सरकार के हम सभी किसान भाई आभारी हैं। मंत्री है, बड़ी खुशी की बात है जो उन्हें किसानों का हित देखते हुए आज किसानों का बजट और किसानों के हित में किया है। जो गांव की जनता है, गरीब जनता है, किसान जनता है, सभी लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और सब लोग बहुत उत्साहित हैं इस बजट को लेकर के। बरेली में हर वर्ग के लोगों का कहना है कि इस बजट से देश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। मोदी सरकार ने इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखा है कि किसानों का कल्याण कैसे हो और उन्होंने इसलिए उनको 6,000 रुपये की सहायता भी देने की कोशिश की है कि उनको ये 6,000 रुपये बीज खाद के लिए जो मुहैया कराई जा रही है, ये बहुत क्रांतिकारी कदम है सरकार का। देश की जनता को जिस वास्तविक बजट की आवश्यकता थी या जो ज़रूरतें थीं आज की, उसके मद्देनज़र मोदी सरकार का बजट जो है बहुत ही सराहनीय है और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बजट है। काश्तकार हो, व्यापारी वर्ग हो, अन्य शिक्षक वर्ग हो, तो सभी का इसमें ध्यान रखा गया, सभी के हित की बात है और अभी तक जो बजट पेश हुए हैं उससे उन सब में ये सबसे बेहतर बजट है। संगम नगरी प्रयागराज के कुंभ में मौजूद हर वर्ग के लोगों ने मोदी सरकार के बजट पर खुशी जाहिर की और इसे सराहनीय बताया। ये बजट सीधे तौर पर किसानों को, गरीबों को, श्रमिकों को और यहाँ तक कि जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी कम वर्ष 5 लाख तक है उनको पूरी छूट दे दिया है इनकम टैक्स में। ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कदम है। महिलाओं के लिए जो आया है 40,000 का कि लोन लेने पे ब्याज नहीं लगेगा, ये भी बहुत अच्छा काम है। जिस भी किसान का 2 हेक्टेयर का जमीन होगा उसको 6,000 रुपये सीधा उसके खाते में जमा किया जाएगा, जिससे करीब 11.5 से 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा जो कोई पीड़ित किसान है उनको ब्याज में 5% छूट मिलेगी। मोदी सरकार के बजट से मध्यम वर्गीय परिवार और बुंदेलखंड के किसानों को बड़ी राहत मिली है। बुंदेलखंड के लोगों का कहना है कि 5 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया है और व्यक्तिगत कर छूट का दायरा बढ़ाने पर लोगों ने मोदी सरकार के बजट की सराहना की है। बजट से उम्मीद तो थी मोदी सरकार से कि ये इसमें कुछ छूट का प्रावधान बढ़ाएंगे, लेकिन उम्मीद से ज्यादा दे दिया है मोदी जी ने। हम लोग 3-3.5 लाख रुपए मान के चल रहे थे, लेकिन मोदी जी ने 5 लाख की कर दी है। इससे मोदी की सरकार बधाई की पात्र है और मध्यम वर्ग के परिवार को इससे बहुत लाभ है। यह बजट खासकर बुंदेलखंड में जो पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर आए दिन किसानों के साथ समस्याएं होती थी, उनको भी सरकार ने उसमें बजट में 6,000 रुपये वर्ष उनके अकाउंट में देने के लिए, 3 किस्तों में देने के लिए कहा गया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। दूसरा 5 लाख जो 2.5 लाख से सीधा उन्होंने 5 लाख किया है, इससे मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही राहत की बात है। इनकम टैक्स के स्लैब में बढ़ोतरी होने से मध्यम वर्गीय को बहुत राहत मिल गई है। आज मध्यम वर्गीय कोई परिवार ऐसा नहीं है जो 4-5 लाख रुपए से कम कमा के मध्यम वर्ग में आ सकता हो। अगर 5 लाख रुपए के ऊपर अगर इनकम जा रही है और उनको टैक्स नहीं लग रहा है तो प्रत्येक परिवार को कम से कम 25-30 हजार रुपए सालाना बचत हो रही है। इस बचत के कारण वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है। ये मोदी सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने सुल्तानपुर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश को खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने के लिए मोदी सरकार वचनबद्ध है। प्रतियोगिता में विजेता टीम को कमल कप के साथ 51,000 रूपये और उप विजेता टीम को 31,000 रूपये और सभी प्रतिभागी टीमों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह में खेल राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी और भाजपा के नेता मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने नए भारत का विकास बढ़ाने वाला बजट पेश किया है। दूरदर्शन पर रग रग में गंगा नाम से बन रही स्पेशल सीरीज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने किया। इस मौके पर गंगा मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे, दूरदर्शन की महानिदेशक सुप्रिया साहू समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का 4 दिवसीय सालाना राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुवार से शुरू हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल राम नाईक ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राम नाईक ने कहा कि शरीर और मन का नियंत्रण रखने के लिए योग रामबाण उपाय है। योग का अपने आप में बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सारी दुनिया के सामने योग के महत्व को रखा है। शरीर और मन, उसका बैलेंस रखने के लिए सबसे कोई अच्छा काम, अच्छा जिसको हम कह सकते हैं कि रामबाण उपाय कोई है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि योग इस पर एक रामबाण उपाय है। अभी योग की स्थिति ऐसी है कि विदेशों में लोगों को लगने लगा है कि भाई योग का अपने आप में बड़ा महत्व है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये विशेषता हम मान सकते हैं कि सारी दुनिया के सामने, ये कोई योग नई बात नहीं है, लेकिन सारी दुनिया के सामने उन्होंने जिस प्रकार से योग का महत्व रखा, निश्चित ही उसके आधार पर ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता दी। राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में 3,000 से ज्यादा मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय मानसिक स्वास्थ्य देश की पूंजी है। और आइए अब देखते हैं प्रयागराज कुंभ से जुड़ी हुई कुछ खबरें। प्रयागराज के कुंभ मेले में निर्मल अखाड़ा की शहीद प्रदर्शनी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। प्रदर्शनी कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार और उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा औरंगजेब से किए गए संघर्ष की कहानी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करती है। 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने भक्ति और शक्ति का मेल करते हुए खालसा धर्म की स्थापना की। अधर्म के खिलाफ सिखों के द्वारा दी गई शहादत को प्रदर्शनी में देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। एक माधव साहब की शहादत से लेके गुरु गोविंद साहब की शहादत और चार छत्तीस की शहादत तक, इसके बारे में सारा कुछ सारांश में बताया गया है। हर उसमें भाई तारो सिंह जी शहादत है, भाई मनी सिंह जी शहादत है, भाई फतेह सिंह जी शहादत है, गुरु गोविंद साहब की शहादत है, चार साहबजों की शहादत है, कैसे कैसे मतलब कि दो साहबजादों को चमकौर साहब की गड़ी में शहीद किया गया, कैसे कैसे दो साहबजादों को शरण की दीवार में चुनाया गया, सारी एक सारांश में पूरा प्रदर्शन में बताया गया है। प्रयागराज कुंभ में आज धर्म संसद के दूसरे दिन शंकराचार्य, धर्माचार्य, विद्वानों और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने अपने विचार रखे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि निर्माण राम मंदिर जन्मभूमि पर ही होगा। उन्होंने कहा कि सभी को हिंदू समाज में विघटन पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। धर्म संसद में राम मंदिर के निर्माण को लेकर विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्य और सुप्रीम कोर्ट में गैर विवादित जमीन को राम मंदिर निर्माण के लिए दिए जाने के सरकार के पक्ष का स्वागत किया। प्रयागराज कुंभ में आज शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों लोगों ने ढोल नगाड़े बजाते और नाचते गाते हुए संगम तट पर जाकर गंगा का पूजन किया। आचार्य रामानंद आर्य ने बताया कि कुंभ के दौरान गंगा पूजन और गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। शोभा यात्रा में झांकियां भी निकाली गई हैं।
प्रयागराज कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुंभ मेले के हवाई भ्रमण के लिए विशेष हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू की गई है। प्रदेश के पर्यटन निगम के सहयोग से दी जा रही हेलीकॉप्टर सेवा के तहत श्रद्धालु प्रति 8 मिनट के 2600 रुपए चुकाकर कुंभ के हवाई दर्शन कर सकते हैं। कुंभ मेले के प्रति पर्यटकों को विशेष रूप से युवाओं को आकर्षित करने के लिए राइड ऑफ जॉय की शुरुआत की गई है। इसमें कुंभ मेले का एरियल व्यू पर्यटकों को दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। राज्य पर्यटन निगम की देखरेख में निजी क्षेत्र के हेरिटेज एविएशन ने यह सेवा शुरू की है। सेवा शुरू होने के पहले ही दिन 6 उड़ानें हुई हैं। रोहित जी, आपने इस जॉय ऑफ राइड की शुरुआत क्या सोच करके की है? देखिए, ये इस बार का जो मेला लगा है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल नए तरीके से इसको अप्रोच किया है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज गवर्नमेंट यहाँ प्रोवाइड कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि मेला ज्यादा से ज्यादा लोगों में लोकप्रिय इसको किया जाए और नई पीढ़ी को भी मेले की तरफ आकर्षित किया जाए, और इसलिए उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन विभाग है उसका ये बड़ा सराहनीय कदम है। हेलीकॉप्टर को चलाने वाले कैप्टन नैयर का मानना है कि मेला क्षेत्र में उड़ान भरना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सुविधाजनक तो बहुत है, जो भी यात्री यहाँ पे कुंभ मेला आएंगे उनको ऊपर हवा से पूरा संगम यमुना और गंगा का जहाँ मिलाप हो रहा है वो दिखाई देगा। बाकी पूरा लेआउट कुंभ मेले का कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे सरकार ने सबके लिए बंदोबस्त किया है उसका पता लगेगा, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कभी किसी को कुंभ ऊपर हवा से देखने। आसमान से मेले को देखना एक तरह का रोमांचक अनुभव है। भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ इस जॉय राइड के बाद ही हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि एक विहंगम दृश्य है जो कि ऊपर से ही देखने में लगता है। इतनी अच्छी योजना से बना हुआ है पूरे कुंभ का, जिसको कि ऊपर से देखने में हम वर्णन नहीं कर सकते। अद्भुत दृश्य है, जब हम देखेंगे तभी उसको हमको शब्द नहीं है कहने के लिए कि गंगा यमुना का जो हम मिलन देखते हैं तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर दृश्य है, जो कि एक अलग अनुभव है अपने आप में। नाहिद अश्वाक की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार।